विजन नेम्स नीट कोचिंग इंस्टीट्यूट सिविल लाइन्स अजमेर प्रेजेंट्स कौन बनेगा मेयर शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका दोस्त और आप देख रहे हैं एनपीटीवी इंडिया। कौन बनेगा मेयर शो वार्ड नंबर 16 में आप पहुंचा है। वार्ड नंबर 16 से वार्ड पार्षद हैं चंद्रप्रकाश बोरा से बातचीत करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि 4.5 साल का जो कार्यकाल उनका रहा उस दौरान उन्होंने कौन कौन से विकास के काम अपने वार्ड में कराए हैं, कौन कौन से किस किस मुद्दे के आधार पर वो उन्होंने पार्षद का चुनाव लड़ा था और कितने काम अभी तक वो करा पाए हैं। उसके साथ साथ वार्ड के अंदर जब कौन बनेगा मेयर शो का ई रिक्शा जाएगा तो हम जानने की ये भी कोशिश करेंगे कि कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो अभी भी जनता के लिए बने हुए हैं, अभी भी समस्या बनी हुई है जिस पर काम उनको करना चाहिए था। तो कौन बनेगा मेयर शो के ई रिक्शे के ऊपर इस वक्त चंद्रप्रकाश बोरा सवार हैं और इनके साथ इन्हीं के वार्ड में जाएंगे, जानने की कोशिश करेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे, इनसे भी हम बातचीत शुरू करते हैं। चंद्रकांत जी बहुत बहुत स्वागत है कौन बनेगा मेयर शो में आपका। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आपका जो वार्ड नंबर 16 इलाका है इसमें कौन कौन सा एरिया आता है। वार्ड नंबर 16 के अंदर हमारे आया था मायानी हॉस्पिटल के यहाँ से चालू होता है, खटीक बस्ती आ जाती है हमारी पूरी, वहाँ से ऊपर चलोगे तो अपने शिव कॉलोनी आ जाएगी, शिव कॉलोनी रेगर समाज की बस्ती है, जटिया समाज की पूरी बस्ती आ जाती है जटिया कॉलोनी के नाम से, फिर ऊपर चलते हैं तो नई बस्ती सैन समाज की जो बस्ती है वो पूरी आती है वार्ड नंबर 16 में, और फिर वहाँ से ऊपर चलेंगे चांदमारी नाम से कॉलोनी का नाम है जो कच्ची बस्ती में वो आती है, पूरी बस्ती आती है ऊपर तक, बहुत पहाड़ी इलाके में ये हमारे मेरे बीच में ये आती सारी बस्ती। अच्छा, 4.5 साल पहले जब चुनाव आपने लड़ा था तब कौन कौन से मुद्दे आपके वार्ड के अंदर थे जिसके आधार पर आपने यहाँ पर चुनाव लड़ा था? क्योंकि मैंने कहा पहले तो हमारी पूरी बस्ती ये कच्ची बस्ती के अंदर आती है और यहाँ पे क्या लोगों के पास स्थाई मतलब इतनी ज़्यादा शिक्षित नहीं है, बहुत जने मतलब खुद के काम करते हैं जैसे मजदूर वर्ग है, ठेकेदारी प्रथा बहुत सी, मतलब यहाँ खुद का वो इतना ज़्यादा विकास नहीं हो पाया क्योंकि ये कच्ची बस्ती थी, पहले IDA से फंड मिलता था, अभी चाहो तो यहाँ पे बात कर सकते। चलिए इन लोगों से हम बातचीत कर लेते हैं और थोड़ा सा इनसे जान लेते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। चलिए आप भी चलिए आपके साथ चलते हैं, इनसे बातचीत करते हैं कि क्या इन तमाम लोग इनका क्या कहना है। अच्छा बाबू जी, इनको जानते हैं? पार्षद आपको है? जानते हैं ना? जानते हैं बिल्कुल, जिले में पार्षद है। अच्छा, ये 4.5 साल में इनका कार्यकाल कैसा रहा? बहुत बढ़िया रहा, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया रहा, बहुत बढ़िया रहा। अच्छा, आपको लगता है कोई काम अधूरा रह गया हो जो आपको लगता हो कि इनको करना चाहिए? है अधूरा गया, अगली बार पूरा करा लेंगे। हाँ वही तो पूछ रहा हूँ मैं, कोई काम ऐसा है जो रह गया हो अधूरा? काम तो बाकी रह गया नहीं, हम रहे जो अगली बार पूरा कराएंगे। उम्मीद से ज्यादा काम करा दिया, उम्मीद से ज्यादा ज्यादा काम करा चुके हैं। जैसे कि कौन कौन से काम कराए? रोड वगैरह बना दिए, नाली वगैरह, CC रोड बनवा दिए, क्रॉस वगैरह बना दिए, लाइट की शिकायत नहीं आती बिल्कुल, हमेशा चालू रहती है लाइट, लाइटों की समस्या खत्म हो गई, खत्म हो गई। अच्छा, सफाई की व्यवस्था कैसी है आपके वार्ड में? व्यवस्था आप देख रहे हो अभी सब बढ़िया, सफाई करके गए, सब करके गए। और क्या काम होना चाहिए आपके वार्ड में, आपको लगता है ऐसा कुछ जो होना चाहिए? हमारे कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पार्षद साहब है, सारा काम करवा दे, ऐसी कोई नौबत ही नहीं रखते। रोड बनाए, जमीनों के पट्टे बनवाने के लिए पट्टे बनाएंगे। अच्छा, नहीं पट्टों का काम है, पट्टों का काम बाकी चल रहा है अभी। इन्हें रोड नया बनवा दिया, पाइपलाइन पुरानी थी पानी नहीं आता, इसने पानी पूरा नया करवा दिया, पूरा पाइपलाइन डलवा दी पूरे वार्ड के अंदर, ऐसी कोई समस्या नहीं है। डूंगरों में जहाँ रास्ता नहीं था ना, वहाँ पे भी रास्ता बनवा दिया इन्होंने। अच्छा, ऐसी कोई परेशानी नहीं पार्षद साहब हमारे, बहुत बढ़िया आपके। इससे पहले वो समस्या है। अच्छा, 25 साल का रिकॉर्ड तोड़ के आए BJP का। इससे पहले कौन थे पार्षद? इससे पहले अपने बीना सिंगाड़िया थी, फिर इनसे 20 साल पहले ओम प्रकाश जटिया था। वो लोग काम नहीं करते थे? वो कभी नहीं करते थे पहाड़ की खटीक बस्ती गली में, क्या कोई पूरे पहाड़ में नहीं घूमते थे वो कभी। ये हमारे पार्षद साहब सुबह 6 बजे उठ के जमादारों इनके साथ घूमते थे, सफाई वफाई करवाते रहते थे गलियों में घूम घूम के। ध्यान रखते हैं, ध्यान रखते हैं। अभी भी इनका रिकॉर्ड है, अभी इनको रिकॉर्ड सब जाते हैं जॉगिंग पे, तो सफाई कर्मचारी उनको बोलते भाई यहाँ से साफ सफाई करो, यहाँ से सफाई करो। इनकी पार्टी इनको वापस से टिकट दे दे इस बार? हाँ देना पड़ेगा, देनी चाहिए इनको, देनी चाहिए। अच्छा ये बात बताइए, आपका वार्ड के अंदर CCTV कैमरा तो मुझे कहीं नजर नहीं आया, वो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं वैसे होना तो चाहिए, कोशिश करेंगे पार्षद साहब, कोशिश करेंगे, होना चाहिए, कोशिश करेंगे। लोग हैं यहाँ पर, अपनी अपनी बात को आगे शुरू करते हैं कारवा। Chicken Super Express, delicious chicken on your door. Order on Zomato and Swiggy and get 50% discount.
चिकन सुपर एक्सप्रेस नियर यादव कॉम्प्लेक्स वैशाली नगर अजमेर। मोबाइल रिपेयरिंग और एक्सेसरीज की दुनिया में तेजी से उभरता नाम MD मोबाइल, स्टेशन रोड अजमेर। कॉन्टैक्ट 8114482312। और जानने की कोशिश करते हैं, जो बात हमारी अधूरी रह गई थी, हम जानने की कोशिश कर रहे थे कि कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनके आधार पर आए थे उस पर चुनाव लड़ा था। जी, कौन कौन से ऐसे मुद्दे थे जो रह गई थी हमारी बात? मुद्दे हमारे जैसे ये पीवर रोड था, बहुत ख़राब स्थिति में था हमारे, बहुत से 3-4 नाले थे जो पूरी तरह से कच्चे थे, जो कभी मतलब बने ही नहीं, उनके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था कि बनवाया जाए, तो वो मैंने बनवा दिए। जो भी हमारे वार्ड में भी कच्चा नाला कोई भी नहीं, और जहाँ तक है मैंने बहुत मतलब अधिकतर जहाँ पे कच्चे रोड थे ना, बिल्कुल पहाड़ी क्षेत्र में, वहाँ भी मैंने रोड बनवाए। मेरा मुख्य एक था कि भाई ये कच्ची बस्ती के बहुत जनों के पट्टे अभी तक नहीं मिले, तो हमने राज्य सरकार को, मैंने लिखित में भी देखा है, मुख्यमंत्री से ही मिल के आया इसके बारे में, मैंने 2 बार ज्ञापन भी दिया मुख्यमंत्री को, अभी वाले को दिया मैंने। 4 साल तक तो हमारी वैसे ही सुनते ही नहीं थे, मैं कांग्रेस से हूँ, 25 साल तो मेरे वार्ड में BJP थी और मैं पहली बार चुन के आया कांग्रेस से, तो 4 साल तो वैसे ही हमारी सरकार को आए हुए 1 साल हुआ, 4 साल पहले दूसरी गवर्नमेंट थी, उसके बावजूद हमारा कोई MLA नहीं था, और ना मंत्री था, ना सांसद था, ना हमारे मेयर थे, ना ADM में हमारे थे, तो फिर भी मैंने ना उम्मीद से ज़्यादा काम किया है, और मैंने लिखित में मतलब दे के मतलब अच्छे जो रोड, पूरे रोड, अधिकतर रोड मैंने बनवा दिए। अब मेरा मुख्य मुद्दा है भैया, आदमी यहाँ के जो पट्टे बाकी हैं वो राज्य सरकार से मैंने अनुरोध किया है, 2 बार खुद मैं मुख्यमंत्री जी से ही मिल के आया हूँ, उनसे अनुरोध किया है कि भाई हमारे जो पट्टे बाकी है, तो उन्होंने अभी ये जो पट्टे वाला जिक्र था, क्योंकि लोग भी कह रहे थे कि पट्टे की एक समस्या है, ये काम आपके इसी कार्यकाल में हो जाएगा या इसके लिए अगला कार्यकाल चाहिए होगा? सरकार ने तो आदेश दे दिए हैं, मेरे ख्याल से, मेरा जहाँ तक उम्मीद है, मेरे ख्याल से अप्रैल मई तक पट्टे मिल जाने चाहिए इसी कार्यकाल में, यानी कि आपके कार्यकाल का सबसे अहम काम जो होगा। मैं एक आपके माध्यम से ये बात कहना चाहूँगा कि मैंने ना ये रोडें सारी नहीं बनवाई, लेकिन PhD वालों ने बनने के बाद पूरे मेरे वार्ड को इतना खोद दिया, मतलब जो सही लाइनें भी थी उनको भी हटा के वापस डाल दी, जहाँ पानी की सप्लाई अच्छी थी वहाँ पे भी हटा दी, तो मैं इस चीज़ से बहुत वो हुआ कि सरकार को या उस टाइम जिस भी कार्यकाल को सरकार होती है, उनको ये सोचना चाहिए, या तो विकास कार्य कराने से पहले उनको सोचना चाहिए कि पाइपलाइन डालनी है तो पहले पाइपलाइन डलाए, क्योंकि सरकार का ही पैसा लगता है, और उसके बाद आप नई सड़क बनवाते हो उसके बाद पूरी खोद देते हो, तो उसका मतलब ही नहीं ना, सरकार खर्चा किसका होता, पब्लिक का ही है ये सर पैसा। तो मैं ये आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहूँगा कि भाई पाइपलाइन पहले खोदे उसके बाद सड़क बने, या सीवरेज पहले डले उसके बाद सड़क बने। बस आपका वार्ड आगे है या पीछे रह गया है? ये नहीं, ये पूरा मेरा वार्ड, ये उधर नीचे तक भी है, अभी वापस आएंगे तो नीचे चलने, ये वाली पूरी जो ऊपर से चढ़ के आया ना, ये वाली लाइन पूरी 17 की है, ये वाली मेरी पूरी लाइन है, ये वाला जो हिस्सा है पूरा सड़क के इधर वाला, आप ही कैसा? तो यहाँ से हम थोड़ी सी पैदल चल के वार्ता कर लेते हैं, जब तक आप अपनी सवारी को थोड़ा सा घुमा लीजिए, फिर हम नीचे की ओर चलेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, आपका दुख मुझे नजर आया कि आपका कहना है कि जो कर्मचारी काम करते हैं विभाग के, PhD हो, बिजली के हो, तो सड़क को इस तरीके से खोदे नहीं, यानी कि आप जहाँ पे खड़े हो ना, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ से पाइपलाइन, इस सड़क पे इतनी पाइपलाइनें होगी कि आप खोदोगे ना तो सिर्फ आपको पाइपलाइन ही मिलेगी। अच्छा, और सीवरेज कैसे डाली मैं बताऊँ आपको, सीवरेज ऐसे डाली, यहाँ चैम्बर बना हुआ इसी जगह, कलेक्टर मैडम भी आई थी, डोगरा जी थे जब, उनको ही बुलाया था हमने, ये कम से बहुत टाइम तक रुका, अभी की बात है उस टाइम उनके कार्यकाल में, तो इसमें से पाइपलाइन एक 16 वाली पाइपलाइन उन्होंने डाली नई अभी, मतलब कुछ 1 साल पहले, तो उन्होंने क्या करा, उस पाइपलाइन को सीवरेज के अंदर से डाल दी। अच्छा। मतलब यहाँ था ना उसका चैम्बर बड़ा, तो उसी में से पाइपलाइन डाल दी, अब वो ब्लॉक हो गई, कभी ब्लॉक हो गया या टूट गई, तो ब्लॉक हो गई ना, फिर उसके बाद मैडम, कलेक्टर मैडम आई, उन्होंने देखा कि ये तो PhD वाले ने बड़ी लाइन इसी में सीवरेज में डाल दी, तो कहाँ जाएगा पानी, उसको मतलब 6 महीने तक तो ये ऐसे ही रहा। उसके बाद मैडम भी आ गई, या जो भी अफसर थे सारे आ गए, उन्होंने देखा, मतलब कोई जिम्मेदारी वाला जो भी बैठा हुआ है ना पद पे, वो कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं, वो क्या करते हैं, कौन खोद रहा, आपको मैं बताऊंगा, ऐसे चैम्बर होते हैं ना, अभी जैसे इन्होंने पाइपलाइन डाली,
तो इस चैम्बर के बीच में से पाइप डाल देंगे, तो अब उनसे पूछो भाई वो नाली का पानी कैसे जाएगा इसमें से, जब बीच में से आपने पाइपलाइन डाल दी तो उसका पानी कैसे जाएगा? आप सीवरेज में से लाइन उतार रहे हो तो सीवरेज का पानी कहाँ जाएगा? आपका दर्द ये कहता है कि पार्षदों को भी विभागों के अंदर कोई समिति बनानी चाहिए, शामिल करना चाहिए। बिल्कुल बनानी चाहिए, सुनियोजित करके, बिल्कुल पहले पूरा नक्शा बनाना चाहिए, जाँच करनी चाहिए कि भाई यहाँ पे सीवरेज है कि नहीं है, कि सीवरेज पहले डालनी चाहिए, रोड बाद में बननी चाहिए। मोबाइल रिपेयरिंग और एक्सेसरीज की दुनिया में तेजी से उभरता नाम MD मोबाइल, स्टेशन रोड अजमेर, कॉन्टैक्ट 8114-82312। चिकन सुपर एक्सप्रेस, डिलीशियस चिकन ऑन योर डोर, ऑर्डर ऑन जोमैटो एंड स्विगी एंड गेट 50% डिस्काउंट। चिकन सुपर एक्सप्रेस नियर यादव कॉम्प्लेक्स वैशाली नगर अजमेर। या पाइपलाइन अगर हमें चेंज करनी है, ये क्या होता है जब किसी भी मंत्री हो चाहे कोई विधायक जा रहा हो, तो वो क्या जब लास्ट के टाइम होता है ना 5-6 महीने बचते हैं, तो वो क्या जितना भी बचा हुआ होता है ना वो खोद दो, बनी हुई हो चाहे कुछ ही हो वो खोद दो बस। तो यही है यहाँ का दुर्भाग्य। अभी आपको ये रोड भी अभी वापस दूसरी बार बनी, ये पूरी बनी ना अभी बनी थी, अभी इनको वापस खोद दिया था इन्होंने पाइपलाइन, ये वापस नहीं बनी है, दोबारा बनी है उस 5 दुकान से लेके, ये तो अभी वापस नहीं बनी है। अच्छा, सीवरेज आप बता रहे हैं कि आपके वार्ड में सीवरेज आ चुकी है, तो क्या लोगों सीवरेज तो 13-14 साल पहले डल चुकी है, लेकिन उसको चालू किसी ने नहीं किया। अगर उस टाइम ये चालू हो जाती ना तो आज ये रोना नहीं होता, क्योंकि अगर उस टाइम हो जाती ना तो वो पाइप जो सूख गए ना बिल्कुल, क्योंकि उसमें कुछ भी चीज़ जाएगी तो वो अटक जाती, और उसी टाइम उसको अगर चालू कर देते तो वो गीले होके या फिसलन वाले होके उस टाइम उस ये परेशानी नहीं होती जो अभी 12-13 साल बाद आप कहते हो सीवरेज चालू कर। सीवरेज का मसला आपने सदन में क्यों नहीं उठाया था? सदन में तो चल रहा है, सीवरेज वाले जब केदार जी थे उन्होंने हाथ जोड़ लिए, उन्होंने कहा भाई मेरे से नहीं होगी, जब तक ये वापस पूरे वार्ड का सर्वे नहीं होगा, सीवरेज लाइन वापस वहाँ से पहाड़ ऊपर से पानी डालोगे नीचे तक, यहाँ इस चौराहे तक साफ नहीं आएगा, जब तक आप नहीं कह सकते सीवरेज क्यों। इसका कारण है इतनी पाइपलाइनें डली यहाँ पे, पूरी जगह से खोद दिया, लाइनें इतनी डाल दी, सीवरेज में से डाल दी, JCP आई खोदी, वो बंद, वापस अपना काम किया, बंद कर दिया, वो सीवरेज भी बंद हो गई। अब वो जिसने कनेक्शन वहाँ से लिया वो पानी यहाँ तक तो आएगा, उसके बाद पानी कहाँ जाएगा, वो उसके घर में जाएगा। वो तो सीवरेज की समस्याएँ बहुत ज़्यादा है, सीवरेज का कोई नहीं, अगर आज आप कंप्लेंट कराते हो तो आपकी 15 दिन तक कोई सुनने वाला नहीं, चाहे पानी आए, चाहे कीचड़ आए, चाहे कुछ भी आए। सरकार तो कह रही थी BJP की सरकार स्मार्ट सिटी लाई, स्मार्ट सिटी में बहुत सारे स्मार्ट सिटी में तो हमारे तो है ही नहीं ना, दक्षिण में स्मार्ट सिटी को लिया कहाँ, 13 वार्ड लिया, आप 13 वार्ड में जाके पूछो, अभी तो बहुत बड़ा वार्ड है हमारा पहाड़गंज, ठेठ पहाड़ तक है, स्मार्ट सिटी में सिर्फ 13 वार्ड लिए हैं, 13 वार्ड में भी कोई काम नहीं हुआ, और वो भी वहाँ के लिए उत्तर के, दक्षिण का तो कोई भी वार्ड, दक्षिण वालों के साथ भेदभाव, दक्षिण में तो भेदभाव होता ही है ना, उनको सबको पता है कि यह दक्षिण है ना SC ST की बस्ती है। अच्छा, उनको क्या करना बेचारे, ये वैसे स्मार्ट हो नहीं सकते, सरकार का ये मान्य है, इसलिए क्या दक्षिण में कोई भी कार्य नहीं करना, 25 साल से चाहे मंत्री भी रही ना, उसने भी आके नहीं देखा भाई SC ST की बस्ती में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना, वो तो खुद SC से है तो क्या करा उन्होंने, करा क्या, पद का फायदा उठाया और कुछ नहीं करा। मतलब आप कह रहे हैं कि BJP दलितों के लिए काम नहीं करती? मैं BJP की बात नहीं कर, मैं तो SC जो हमारे मंत्री रही 25 साल उसके लिए भी कह रहा हूँ मैं तो, जो इस क्षेत्र से दक्षिण से मंत्री रही है, वो उसको मैं बताऊँ कि भाई आपने 25 साल में एक काम कराया तो बता दो, इधर यहाँ से ही लड़ी हो दक्षिण से ही, ये भी दक्षिण का वार्ड आता है ना, तो आप बताओ भाई मैंने यहाँ विकास कार्य कराया, SC की बस्ती है ना ये पूरी। मोबाइल रिपेयरिंग और एक्सेसरीज की दुनिया में तेजी से उभरता नाम MD मोबाइल, स्टेशन रोड अजमेर, कॉन्टैक्ट 8114-82312। चिकन सुपर एक्सप्रेस, डिलीशियस चिकन ऑन योर डोर, ऑर्डर ऑन जोमैटो एंड स्विगी एंड गेट 50% डिस्काउंट। चिकन सुपर एक्सप्रेस नियर यादव कॉम्प्लेक्स वैशाली नगर अजमेर।